Hello everyone, I'm your maths teacher. Today we will do some more questions of exercise 1.3. So, our next question is taking the set of natural numbers as a universal set. Write the complement. तो ये जितने भी पार्ट हैं ये यूनिवर्सल सेट हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट बताने हैं, ठीक है। मतलब एज अ यूनिवर्सल एक सेट बनाना है, नेचुरल नंबर का सेट लेके एज अ यूनिवर्सल सेट, तो सारे इन सब का जो पार्ट है उनके कॉम्प्लीमेंट बताने हैं। तो जैसे ये है, क्या है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो प्रॉपर्टी क्या होंगी कि एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि एक्स is an even natural number, मतलब कि इसका उल्टा हो जाएगा ना, मतलब अगर odd नहीं है तो even होंगे, even नहीं है तो odd होंगे। ऐसे ही second, इसमें क्या है कि x such that x is an even natural number है, तो even है तो odd हो जाएंगे, ठीक है। x is an odd natural number। फिर सी पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ फाइव, इसमें क्या है कि ये फाइव के मल्टीपल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि नॉट अ मल्टीपल ऑफ फाइव, नॉट अ मल्टीपल ऑफ फाइव के मल्टीपल नहीं है। फिर एक्स सच दैट एक्स इज एन डिविजिबल बाय टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय टू, ये है हमारा यहाँ पे टू एंड थ्री, ठीक है, ये कि टू एंड थ्री से डिविजिबल है वो एलिमेंट है इस सेट में, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो डिविजिबल नहीं है टू एंड थ्री से, ठीक है, डिविजिबल बाय टू एंड थ्री, ठीक है। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर है तो दूसरा हो जाएगा, नहीं है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, क्या हो जाएगा नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसका क्या हो जाएगा, देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये एट है, ये एट है, तो इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 में से 5 गया 3 ना, मतलब x किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x इज नॉट इक्वल टू 3, इसमें तो x 3 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा कि x इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा कि x 7 से ज़्यादा है, जो एलिमेंट है इस सेट के अंदर वो 7 से ज़्यादा और 7 के इक्वल है, तो क्या कर देंगे, 7 से ज़्यादा है ना इस एलिमेंट में, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 7 से कम, तो क्या लिख देंगे उस इस सेट के अंदर, 1 2 3 4 5 6, इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो इसमें को सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, तो ये 5 से कम है, तो इसमें क्या लिखोगे कि जो वैल्यू x सच दैट x क्या हो जाएगा कि 5 से कम है ना वैल्यू, तो यहाँ पे 5 से ज़्यादा हो जाएगी और 5 के इक्वल, ठीक है ना, मतलब कि इससे ये उसका उल्टा करना है, इसमें वैल्यू 5 आ गई, मतलब 5 से यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी 5 से कम आएगी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5 से ज़्यादा और 5 की 5 भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें, क्लियर ना। ये हमारा 6th क्वेश्चन था। नाउ 7th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट ज़ाई बी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। देखो एक ज़ाई यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर प्लेन के सारे उस प्लेन में सारे ट्रायंगल्स आ गए, मतलब सारे ट्रायंगल्स का सेट हो गया। अगर ए कोई हमारा सेट है जिसके अंदर ट्रायंगल है जो वो उसमें जो एक एंगल है 60 डिग्री, एक एंगल डिफरेंट है 60 डिग्री से, ठीक है, मतलब एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, बट इज द ए का कॉम्प्लीमेंट, सिंपल सी बात है, बाकी के सारी जो ट्रायंगल्स हो गए वो 60 इन्होंने बोला डिफरेंट है, तो जो रह गया जो 60 डिग्री होगा तो वो क्या है 60 60 60, ठीक है, तो तीनों में से वो कौन से ट्रायंगल होंगे जिन तीनों का एंगल, तीनों का जो ट्रायंगल के जो तीनों एंगल 60 के होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वो कौन सा सेट बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो ये तो पूरा सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, इस सेट के अंदर वो एलिमेंट है जो क्या है विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, 60 डिग्री से कम एक एंगल तो डिफरेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब जो 60 के इक्वल होंगे वो कौन से होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, सीधा सा लिख देंगे कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्लियर है।
अब देखो एट पार्ट में फ्रॉम दैट जो वेन डायग्राम, इस वेन डायग्राम से हमने ये इन चार पार्ट्स के आंसर देने हैं. ओके उसके बाद देखो अब स्टेप वाइज करते हैं हम. देखो उसका तो हो गया था कि द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसका तो सीधा सा हम लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है सीधा लिख देंगे, उसका तो कॉम्प्लीमेंट यही था. इसका देखते हैं फर्स्ट पार्ट, हमने ए यूनियन बी निकालना है इस वेन डायग्राम की हेल्प से. इस वेन डायग्राम की हेल्प से ए यूनियन बी मतलब जितने भी नंबर हैं सारे, ठीक है, ए के भी और बी सेट के अंदर भी जो एलिमेंट है मेंबर्स हैं, तो क्या करेंगे, क्या क्या है, 1 2 3 4 5 और आई थिंक ये ज़ीरो भी ऐड हो गया इसीलिए, यस ये ज़ीरो है वहाँ पे, 6 7 8 9. तो ये तो हो गया यूनियन. अब इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ये होता है ना इंटरसेक्शन हमारा, ये होता है ना, तो 1 7 क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया. ठीक है थर्ड पार्ट क्या है हमारा, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में क्या क्या आएगा कि जो ए के एलिमेंट है वो बाकी सारे हट जाएंगे, 2 and 4 क्या है, 2 and 4. फोर्थ पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से देखना, ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी तो है 1 7 और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि 1 7 को हटा के बाकी सारे नंबर्स लिख दो. देखो इंटरसेक्शन 1 7 है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 7 को हटा के बाकी सारे यूनिवर्सल सेट में से, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो मतलब 1 7 मेंबर्स को हटा के बाकी सारे लिख दो. क्या क्या है, 2 3 4 5 6 8 9 और 0 भी है. ठीक है ना, अगर मान लो हमने यहाँ पे बी माइनस ए का निकालना होता तो कौन से लेते, 308, क्या लेते, 308, क्योंकि ये जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा वो तो ए माइनस बी होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, बी माइनस ए होगा. क्लियर है ना, और बाकी सारा यूनिवर्सल सेट है. ठीक है ये हो गया इस क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन. क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो वेन डायग्राम गिवन है और इनके वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्यूशन निकालना है. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए होता है. यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सारे नंबर 0 1 2 3 5 6 7 8 9. तो अब इसमें से ए के जो एलिमेंट है ना 2 4 वो हटा दो, तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या नंबर आ जाएंगे, 0 1 3 और ये 4 भी है यहाँ पे, 4 and 5 फोर हट गया, 5 6 7 8 9. क्लियर हो गया, ये है ए का कॉम्प्लीमेंट. बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, बी के एलिमेंट क्या है, 5 6 5 6 हटा के बाकी सारे क्या क्या होंगे, 0 1 2 3 4 7 8 और 9. 5 6 का एलिमेंट हटा दिए, जो बी के एलिमेंट है ना वो हटा दिए. एक मिनट बी के एलिमेंट, रुको, ये हो गया, ए के एलिमेंट सिर्फ ये ही नहीं है, तो ए माइनस बी हो जाएगा, ये भी हो जाएंगे 2 4, ये हो जाएगा यहाँ से 0 2 3 4 and 8, क्योंकि ये ही सेट के अंदर आता है ना, ए सेट के अंदर तो ये भी तो एलिमेंट आते हैं ना, तो सारे ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा यू माइनस ए, मतलब 0 हट गया, ठीक है 1 आ गया, 2 3 4 हट गया, 5 6 7 8 हट गया, 9 आ गया कॉम्प्लीमेंट. ओके बी क्या आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, बी के एलिमेंट ये होंगे 3 0 8 5 6, ये हटा के, ठीक है बी का सेट के अंदर एलिमेंट क्या होंगे, 3 सबसे पहले 0 3 5 6 और 8, ये हटा के कौन से एलिमेंट आ गए, 1 2 3 तो हट गया, 4 5 भी हट गया, 6 भी हट गया, 7 8 हट गया, 9, तो ये है बी का कॉम्प्लीमेंट. अब ध्यान से देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये तो है ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब 3 0 8 हटा के बाकी सारे, तो क्या हो जाएगा, 3 0 8 हटाएंगे तो 1 2 4 5 6 7 और 9. क्लियर है, इजी था, ठीक है सिर्फ ये इस वेन डायग्राम की हेल्प से बता देंगे. अब इसमें देखो, इसमें हमने बताना है कि वेन डायग्राम बना लिया, अभी बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब किस तरह से बताएंगे इसको. देखो ध्यान से,
ये इस चीज को हम क्या कहते हैं, ए माइनस बी, इस चीज को, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, बी माइनस ए, इसके रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, बी माइनस ए, और ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये इंटरसेक्शन होता है। तो ध्यान से देखो, ये तो नहीं लिया, बाकी सारे एलिमेंट्स ले रखे हैं, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी, ध्यान से देखना, यूनियन बी माइनस ए। देखो ये सारा एलिमेंट ले लिया, उधर का एलिमेंट ले लिया, लेकिन वो नहीं लिए इंटरसेक्शन वाले, तो क्या करेंगे, बाकी सबको छोड़, इस ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये वेन डायग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन है, ठीक है ना। अब इसमें देखो सेकेंड पार्ट में, इसमें ध्यान से देखना, ए तो सारा एलिमेंट आ गया, ए का तो सारे एलिमेंट आ गए, तो मतलब ए के साथ तो यूनियन है, और बी और सी के सिर्फ यही एलिमेंट आए, तो मतलब बी और सी के साथ इंटरसेक्शन है, तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जी सी, जब ये तीन सेट हो, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या कहते हैं, अब ये ध्यान से देखो, या तो ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, या तो ये कह सकते हैं, या ये कहेंगे कि देखो ए और बी के, ए और बी का तो यूनियन है, ठीक है, ए और बी का तो यूनियन है और इंटरसेक्शन है सी के साथ, क्लियर, मतलब ए और बी का तो ये सारे एलिमेंट आ गए, लेकिन सी के साथ इसका भी इंटरसेक्शन है और इसका भी इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों के जो यूनियन है ना, वो सी के साथ इंटरसेक्शन है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसमें देखो ध्यान से देखना, ए और सी के साथ तो ज्वाइन है, मतलब सारे एलिमेंट आ गए, ए और सी के साथ तो है यूनियन, लेकिन देखो ये इसके साथ करेंगे तो ये यहाँ ये पोर्शन क्या दिखाता है, हमारा इंटरसेक्शन, और ये पोर्शन क्या दिखाता है, इंटरसेक्शन, मतलब कि ए और सी का बी के साथ इंटरसेक्शन है, मतलब कि इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ये शॉर्ट फॉर्म ये लेते हैं, क्लियर है।